मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रतीश श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक क्या है, उसके कार्य तथा उनके प्रकार के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है बैंक का महत्व, यानी बैंक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बैंक के महत्व में हमारा फर्स्ट पॉइंट है जनता में बचत की आदत को प्रोत्साहन। पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने पर लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ावा मिलता है। लोग अपनी अल्प बचतों को बैंक में जमा करके न केवल अपव्यय से बचते हैं बल्कि ब्याज भी कमाते हैं। बैंक क्या करता है, हम लोग के पास जो भी धन रहता है उसको हम लोग बचत करते हैं और उसको जाकर के बैंक में जमा करते हैं, जिससे क्या होता है, छोटी छोटी बचतों को बैंक में जमा करते हैं जिससे कि वो अपव्यय ना हो और उस पर हम लोग को ब्याज भी मिलता है। सेकेंड है पूंजी का निर्माण। बैंक व्यक्तियों तथा संस्थाओं से उनकी बचतों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाने हेतु कृषकों, व्यापारियों, उद्यमियों आदि को उधार दे देते हैं। इससे देश में न केवल पूंजी का निर्माण होता है बल्कि कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का विकास तथा विस्तार होता है। बैंकों के अभाव में लोगों की बचतें निष्क्रिय पड़ी रहती हैं अथवा उपभोग कार्यों में ही खर्च कर दी जाती हैं। पूंजी के निर्माण से क्या मतलब है कि बैंक जनता की जो छोटी छोटी बचत होती है उन्हें एकत्र करके एक विशाल पूंजी बनाने में योगदान देते हैं। इसके बैंक इस पूंजी को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं जिससे देश में पूंजी का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है साख निर्माण। बैंकों के पास जितनी नकद जमा होती है वो उससे कई गुना अधिक धनराशि उधार देकर देश में उत्पादन व रोजगार को बढ़ावा देते हैं। साख निर्माण के कारण मौद्रिक अधिकारी की मुद्रा की अधिक मात्रा प्रचलन में नहीं डालनी पड़ती। बैंक क्या करती है, जितना नकद हम लोग बैंक में जमा करते हैं उससे वो कई गुना ज़्यादा धनराशि उधार देती है जिससे कि देश में साख का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है कीमत स्थिरता लाने में सहायक। साख तथा मुद्रा की मात्रा को समुचित ढंग से नियंत्रित करके केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंक कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को रोक सकते हैं। केंद्रीय बैंक क्या करते हैं, साख और मुद्रा की मात्रा को उचित तरह से नियंत्रित करते हैं जिससे कि इनके में उतार चढ़ाव ना हो पाए। कीमत वृद्धि के समय साख संकुचनक का प्रयोग किया जाता है और कीमत में कमी होने पर साख विस्तार का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंक बहुलता वाले क्षेत्रों में धनराशि इकट्ठा करके उसे कमी वाले स्थानों में भेज देते हैं। इससे वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन बना रहता है। वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन से मतलब ये है कि बैंक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे धनराशि ज़्यादा इकट्ठा होती है उसे ऐसे स्थानों पर जहाँ पे इनकी कमी होती है वहाँ भेज देते हैं। इससे वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन बना रहता है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक विकास में सहायक। बैंक जिस क्षेत्र में भी शाखा खोल लेते हैं उस क्षेत्र में कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की आवश्यक मात्रा में पूंजी मिलने लगती है। इससे उस क्षेत्र के सर्वांगीण आर्थिक विकास को बल मिलता है। आर्थिक विकास में सहायक बैंक क्या करती है, शाखा विस्तार योजना के कारण देश में आर्थिक विकास को अधिक बल मिला है। जिन क्षेत्रों में बैंक ने अपनी शाखा का विस्तार किया है वहाँ पर वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण नए नए उद्योग के विकास को भी अधिक बल मिला है। फिर नेक्स्ट है रहन सहन के स्तर में सुधार। बैंक व्यक्तियों को फ्रिज, स्कूटर, कार आदि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण देते हैं। इससे उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होता है। रहन सहन के स्तर में सुधार से मतलब है कि बैंक जनता को क्रय शक्ति के विस्तार हेतु उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करता है। इससे व्यक्तियों को स्कूटर, फ्रिज आदि वस्तुएं खरीदने में सुविधा हो जाती है और जिससे जनता का समान जीवन स्तर में सुधार हो जाता है। फिर नेक्स्ट है धनराशि के स्थानांतरण की सुविधा। अब बैंकों की सहायता से बड़ी से बड़ी धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सस्ता व सरल हो गया है। इससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। बैंकों के द्वारा हम कोई भी धनराशि को किसी भी जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भुगतानों को सुविधाजनक बनाना। अब व्यापारी चेक, ड्राफ्ट आदि के द्वारा बड़ी आसानी से एक दूसरे को बड़े से बड़ा भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार बैंकों ने भुगतानों के कार्य को एकदम सुविधाजनक बना दिया है। साख पत्रों के प्रयोग से व्यापार में समय, शक्ति तथा धन को बहुत अधिक बचत हो जाती है। भुगतानों को सुविधाजनक बनाना, बैंक भुगतानों के कार्य को सुविधाजनक बना दिया है क्योंकि बैंकों द्वारा साख पत्रों के प्रयोग से व्यापार में भुगतान करते समय शक्ति और धन की बहुत अधिक बचत
खो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।